दोस्तों, जब पत्नी आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस डाल देती है तो वो एक बहुत बड़ी गलती करती है, और उस गलती को सुधारने का आपको मौका मिलता है जिससे आप जो है मैट्रिमोनियल केसेस जीत सकते हैं। तो ये गलती क्या है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं हूँ एडवोकेट नितिश बांका, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब भी पत्नी आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस डालती है, DV हो गया, 498 हो गया, तो वो एक बहुत बड़ी गलती करती है। वो गलती क्या है कि आपके घर वालों को भी इम्प्लिकेट कर देती है उन सभी केसेस में, चाहे वो 498 हो या डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो। आपके घर वालों का कोई कसूर नहीं होता, ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत पुलिस को मिलता है या फिर मैजिस्ट्रेट को मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। फिर भी जो है पत्नी उनके खिलाफ जो है फॉल्स एलिगेशन, वेग एलिगेशन जो है उनके खिलाफ डाल देती है, और ये केसेस जो है आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस फिर चलते ही रहते हैं। अब ये गलती ये है कि उसने जो है बिना एविडेंस के पहले तो एक फॉल्स कंप्लेंट दाखिल कर दी, FIR दाखिल कर दी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल कर दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि उसने ये चार्जेस कभी भी विड्रॉ नहीं किए और आगे कंटिन्यू किए। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया इन एलिगेशंस को, तो पुलिस ने आपके घर वालों को बाहर कर दिया। इवन डोमेस्टिक वायलेंस में आपके घर वालों को उस कंप्लेंट से बाहर कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि आप कई बार ये होता है कि पुलिस बाहर नहीं करती तो आप क्वाशिंग के लिए ऑनेबल हाई कोर्ट चले जाते हो, और हाई कोर्ट में भी रिलेटिव्स को जनरली ऑनेबल हाई कोर्ट रिलीफ दे देता है और बाहर कर देते हैं। अगर आपके केस में ऐसा होता है, और सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि क्वाशिंग के लिए नहीं जाते, एटलीस्ट अपने रिलेटिव्स के लिए ज़रूर क्वाशिंग के लिए जाइए, अगर उनका कोई रोल ही नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है और उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, और ख़ासकर तब जब वो बिल्कुल अलग ही रहते थे आप और आपकी पत्नी से। अगर आपका ऐसा केस है तो कमेंट कीजिए कि आप बिल्कुल अलग ही रहते थे अपने रिलेटिव से, फिर भी रिलेटिव्स को जो है आपको इम्प्लिकेट कर दिया गया था कंप्लेंट में और FIR में। अगर ऐसा केस है तो आप एक बहुत बड़ी ये गलती कर रहे हैं कि जब ये लोग बाहर हो जाते हैं, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ जाता है या ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है क्वाशिंग का, उसके बाद आप अपने लिए तो केस लड़ते हैं पर एक काउंटर केस नहीं डालते। ये काउंटर केस है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन और डैमेजेस का। जब आपको फॉल्सली इम्प्लिकेट कर दिया गया है और आपके रिलेटिव्स को भी फॉल्सली इम्प्लिकेट कर दिया गया है, उनके खिलाफ जो है जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोई एविडेंस नहीं आया, कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी उनको जो है फॉल्सली मेलिशियसली इम्प्लिकेट किया हुआ है, तो आप जो है डेफामेशन और डैमेजेस का सूट डाल सकते हैं। कंपनसेशन जो है जो रिलेटिव्स वो लोग कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, और 340 CRPC में सेम कोर्ट में आप 211 की प्रक्रिया के लिए भी आवेदन दे सकते हैं मैजिस्ट्रेट के लिए, और वहाँ कह सकते हैं कि जी हमारे लिए हमें जानबूझ के हैरेस करा गया, हमें पुलिस में जो है चक्कर काटने पड़े, हमें बेल लेनी पड़ी, और हमें जो है फालतू में इसने इम्प्लिकेट किया फॉल्स केसेस में। जब ऐसा आप कर देते हैं तो एक काउंटर केस आपके लिए रेडी होता है और आप ये केसेस डालते नहीं हैं। इसकी वजह से जो है आपके केसेस लंबे चलते हैं, सेटल भी नहीं होते, और अल्टीमेट जो है अगर आपको ये मैट्रिमोनियल केसेस जीतने हैं तब आपको ऐसा करना ही होगा कि आपको डैमेजेस और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन या 340 CRPC के केसेस आपको डालने ही पड़ेंगे। अब ये जो है डैमेजेस, कितनी डैमेजेस डालनी चाहिए, देखिए अब प्रॉब्लम ये आती है कि जितना आप ज़्यादा अमाउंट बताएंगे डैमेजेस का, अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में ऐसा है कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख अगर आप डालते हैं तो उस हिसाब से आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ती है, बट मुंबई या महाराष्ट्र में ऐसा है कि आप जितना भी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं फिक्स एक कोर्ट फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी, तो आप अपने स्टेट का कोर्ट फीस का लॉ चेक करके उस हिसाब से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और अच्छा बड़ा अगर अमाउंट डालेंगे तो दूसरी पार्टी को भी हैरेसमेंट होगी, उसको वकील करना पड़ेगा और दूसरी पार्टी भी आएगी कंटेस्ट करने केसेस, तो वहाँ पर भी प्रेशर जाएगा कि देखो फॉल्स केसेस करने का नतीजा यही होता है कि आपके ऊपर जो है हम डैमेजेस क्लेम करेंगे, हम आपसे भी कंपनसेशन लेंगे क्योंकि आपने हमें जो है फॉल्सली इम्प्लिकेट किया है मैट्रिमोनियल केसेस में। और फिर उसके बाद जो है जब आप ये सब कर देंगे, उसके बाद जब दूसरी पार्टी में भी प्रेशर होगा तभी दूसरी पार्टी
सेटलमेंट के लिए आएगी, नहीं तो 498A में तो कंप्लेनेंट के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है क्योंकि उसे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते 498A में। 498A में तो आपको ही कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, हर डेट पे आपको जाना पड़ता है और दूसरी पार्टी को तो सिर्फ एविडेंस देने आना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं बनता जब 498A का केस मैट्रिमोनियल केसेस में होता है। बट जब आप काउंटर केसेस डालेंगे तो प्रेशर थोड़ा ईज होगा, दूसरी पार्टी पे प्रेशर होगा, वो भी सोचेगी कि चलो मैं सेटल कर लेती हूँ, मैट्रिमोनियल केसेस जो है ख़त्म कर देती हूँ, तो उसके दिमाग में भी ख्याल आएगा। जब ये ऐसा होगा तभी आपके केसेस जो है आप अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जीत सकते हैं और आपके ही फेवर में डिसाइड होंगे ये वाले सारे केसेस। नहीं तो आप जो है सच्चाई के लिए लड़िए और बाकी जो तरीका है मेरिट्स पे, फिर आप 498 है अपना केस तो मेरिट्स पे आप लड़ेंगे ही, क्योंकि अगर केस झूठा है तो आप ही जीतेंगे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। पर ओवरऑल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये काउंटर केसेस डालते हैं तो आपके फेवर में आएगा केस, आप जीत सकते हैं मैट्रिमोनियल केसेस। एक और चीज़ मैं आपसे जो है डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने एक ईमेल सीरीज़ शुरू की है, अगर आपको ऐसी जानकारी रोज़ चाहिए अपने ईमेल आईडी पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको मैट्रिमोनियल केसेस जल्द से जल्द ख़त्म करने हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है अगला, वो आप ज़रूर देखिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपकी सिमिलर प्रॉब्लम है तो। थैंक यू वेरी मच।